हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज गैस कीजिए कहाँ हूँ मैं, क्या कोई गैस कर सकता है? ये चर्च है यहाँ का, और जो इसका नाम है बहुत क्रिटिकल नाम है, तो कह नहीं सकता। मैं इसका नाम दिखा देता हूँ। अच्छा, तो इसका नाम है सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, जो कि यहाँ के विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास ही है, और एक प्लानिटोरियम है उसके प्लानिटोरियम के पास ही है। बहुत अच्छा है, पर 10 रुपये टिकट भी लगता है। हाँ, इसको अंदर आने के लिए 10 रुपये टिकट भी लगता है। अच्छा है, आ जाइए घूमने। हाँ, मस्त चर्च है। अंदर एकदम शांति था, मगर अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम कुछ शूट भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, वैसे भी तो बिरला प्लानिटोरियम के बगल में ही है। अब आइए बिरला प्लानिटोरियम में, बिरला स्पेस में चले जाइए। ये तो ऐसे बोला जैसे इसका ही है। पूजा वूजा करके जाइए घर, ये सही होगा। वैसे तो हम आए थे प्लानिटोरियम के लिए ही, लेकिन उधर का टाइम क्यों आए थे? मैं भूला है तुझे, इसीलिए आए थे, ये चीज़ बोलना। नहीं, मैं भी तो आने वाला था ना मिलके, क्योंकि उसका टाइम जो 12 बजे सुबह शुरू होने वाला था, तो हम निकलते निकलते लेट हो गया, और जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है उसको समझते समझते लगभग आधा घंटा हो गया था, इसीलिए देर हो गई। और देखते हैं नेक्स्ट शो 2 बजे है, शायद 2 बजे जाएंगे। 1:30 को एंट्री है। हाँ, 1:30 को एंट्री है। चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ सिनेमाटो शॉट दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कर सकता हूँ। ये देखिए, ये जो है चर्च का पीछे का हिस्सा है। एक सेकंड, मैं बैक कैमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चर्च का पीछे का हिस्सा है। तो अब हम जाएंगे, लगता है टाइम भी हो गया है, जाएंगे प्लानिटोरियम, जो इसको बंगाली में इधर क्या बोलते हैं, तारामंडल। हाँ, तारामंडल। तो इसे भी ठीक ही है, तारामंडल वो सब तारे तो है, तारामंडल देखने के लिए हम जा रहे हैं। प्लैनेट भी होता है भाई, सिर्फ तारा नहीं होता है। अरे हाँ, वो प्लैनेट जलता है ना, इसीलिए उसको तारा बोलते हैं। जो भी जलता हुआ चीज़ आसमान में दिखे उसे तारा ही कहते हैं। नाइस थ्योरी। सूरज भी तो एक तारा ही है, बस वो फर्क इतना है कि वो पास में है, बाकी सब दूर में है। ओके, तो देखते हैं प्लैनेटोरियम में क्या क्या होता है। हाँ, माई ड्रीम इज एस्ट्रोनोम। हाँ, ये तो एस्ट्रोनोम बन जाएगा, हम क्या बनेंगे? एलन मस्क क्या पता भाई बन जाएंगे, जिसु से दुआ करके आए हैं। ये साइंटिस्ट बनेगा और हम एलन मस्क बन जाएंगे। सही, चलो ठीक है, फिर देखते हैं, उधर देखते हैं म्यूजियम। ओके, तारामंडल में मिलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभी हम देख चुके, सो ये देखिए प्लानिटोरियम है। से जाने की बात तो है, अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, हेस्टेटेड था, और जो कुछ भी अच्छा लगा या बुरा लगा वो सब ये बताएंगे। नहीं, वैसे बताने का कुछ है नहीं एक्चुअली। अच्छा, गो कोविड, गो कोरोना, गो कोरोना। ओके, वैसे ये प्लानिटोरियम अच्छा है, पर हमारा भुवनेश्वर वाला प्लानिटोरियम जो उड़ीसा में है,
वो यहाँ से इससे भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ आपको 120 पड़ेगा टिकट एक सीट, हमारा वहाँ 30-40 रुपीस पड़ता है। और वैसे भी ये हमारा आप में आप इसमें देखेंगे यहाँ का 130 मिनट्स का होता है और हमारा भुवनेश्वर का 40 रुपीस टिकट में आप देख पाएंगे 1 आवर। ओके, तो मेरे हिसाब से भुवनेश्वर इससे अच्छा है, चीप भी है, आपके लिए भी अच्छा है। तो फैमिली लेकर यहाँ मत आइए, मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा, पर भुवनेश्वर अच्छा होगा। हाँ, ये सही है। वैसे अभी तो हम रास्ते के ऊपर खड़े हैं, थोड़ा रास्ता क्रॉस कर ले फिर बाकी बातें करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे थे कि हमारे जो आलोक है वो एक्सपीरियंस दे रहे थे उसका नंबर यार। और जैसे कि ये बताया भुवनेश्वर से तो थोड़ा कम ही है। हाँ बस यहाँ क्योंकि यहाँ का सीट थोड़ा ज़्यादा है, 250 आई थिंक 250 ऐसा ही नो 120 सीट कैपेसिटी। अच्छा सीट कैपेसिटी 238 पर बैच। अच्छा तो सीट कैपेसिटी यहाँ का ज़्यादा है और टिकट का पैसा भी ज़्यादा है। और एक बात, शो टाइम भी बहुत कम है, आधा घंटा। और जैसे कि ये बताया स्कैम होने जैसा लग रहा है। चलो मेरा तो ये पहली बार था, देखते हैं भुवनेश्वर जाके कैसा है वहाँ पर। बहुत अच्छा है भुवनेश्वर, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर हम भूल भुलैया कहीं खो नहीं जाएंगे तो नहीं। चलो अभी गूगल के ज़माने में कहाँ खोएंगे हम, घूम फिर के वही एक जगह पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे ये देख सकते हैं ये पीछे, ये देखिए, अरे वो तो टाटा स्टील का ऑफिस, टाटा का ऑफिस है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा थोड़ा देख लीजिए, इसका बाजू वाला है ना हमारा विक्टोरिया। हाँ उसके बाजू वाला विक्टोरिया। और देखिए ये जो टाउन बस है, ये अगर कोलकाता आप आए हैं तो ये टाउन बस में ज़रूर बैठिएगा क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस होता है भाई, बहुत अच्छे। अगर कोलकाता टाउन बस में नहीं बैठे तो क्या मज़ा। और यहाँ का जो ड्राइवर है भाई एकदम हैवी ड्राइवर है, गाड़ी एक चलाते हैं मतलब बताओ मत। और उनका कंट्रोल जो रहता है वो तो और भी मस्त है। वो क्या हताश है प्रेमी। चलो अरे भाई की दारू, ये देखिए ये लगता है ये, अरे हमको तो बंगाली आते नहीं है, लगता है किसी आशिक के हैं, पता नहीं कोई अच्छे आदमी होंगे। लो हमको तो फिर अब पहला अभी, अरे कभी कहाँ जाना है हमको, धर्मशाला। हाँ धर्मशाला भी चलते है, काला कुछ है नहीं, धर्मशाला है मुझे पता है, पहले से भी आ चुका हूँ मैं, अभी धर्मशाला जाना है। और प्रॉब्लम एक है कि मेरा एक स्टिक चाहिए मेरे को ब्लॉगिंग करें, अभी हाथ में पकड़ के कर रहा हूँ तो हाथ दर्द हो रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बीच बीच में मतलब बंद करना पड़ रहा है। तो सोचिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इतना ही चाहिए हमें बस, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और भी ज़्यादा वीडियो क्वालिटी अच्छा बना सकते हैं और आगे बढ़ेंगे और क्या। और हमारे वीडियो देखते रहिए ऐसे ही, और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बात मैं हमेशा वीडियो में कहना भूल जाता हूँ, आज कहना क्या जरूरी है, अच्छा होगा तो करेंगे, यही चाहिए। चलो रूम क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हाँ चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी इधर रास्ता क्रॉस करना है, थोड़ा रास्ते पे ध्यान दो। ओके बाय।